नमस्कार स्वागत है आप सभी का सी आई टी एन सी आर टी के इस लाइव खास फोन इन प्रोग्राम में नेम इज इज खुराना एंड एंड यू ऑन चैनल नंबर वेल दिस अ वेरी स्पेशल सीरीज इट्स अ वेबिनार लिसनिंग टू लर्न यानी कि सुनिए और सीखिए और आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करने वाले हैं दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल द बिगेस्ट इन्वेंशन इन ग्रीन एनर्जी इसे हम हिंदी में कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल हरित ऊर्जा में सबसे बड़ा आविष्कार और व्हाट एग्जैक्टली इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिस फ्रॉम वाटर विदाउट यूजिंग एनी केमिकल इज इन ग्रेट एंड वॉट एल्स दिस इज ग्रीन दिस इज हाइजेनिक टेक्नोलॉजी टू जनरेट पावर फ्रॉम ओनली अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ नेचर सो वी हैव अ लॉट ऑफ Uh, material to discuss regarding this topic, and we have a very special guest in our studio, and he'll be talking about hydroelectric cell in detail. If you have any questions, if you want to ask any questions, you can give us a call on our number, which is double eight double zero double four zero double five nine. And uh, you're watching us on our YouTube channel, which is NCERT Official. In the live chat box, you can write down your questions, queries, and share them with us till eleven o'clock. This is a one hour program, and this is not an ordinary program. This is an outreach program. People from all over the world can watch us anytime you want, from any place you are in. All you need is an internet connection. And this is, like I said, a very special program. You are watching it through CIET and NCRT, but uh, the contribution of uh, pro organizing this entire program goes to the Department of Education in Science and Mathematics, NCRT. And we have a guest from DESM in our studio. He is uh, Dr. Gagan Gupta. A very warm welcome to you, sir. Thank you, Tanvi. Thank you. Sir is going to introduce uh, the topic.

तत्वावधान में सी एस आई आर के कोलोबोशन में हमने तब से लेकर अब तक पैंतालीस चौवालीस सेशन पूरे कर चुके हैं और इसमें हमने विभिन्न विभिन्न विज्ञान से जुड़े और गणित से जुड़े हुए विभिन्न विभिन्न विषयों पर बीट मेडिसिन बीट बैटरीज बीट इंडिया प्लेनेटरी प्रोग्राम एट्सेट्रा एट्सेट्रा हमने इन सब प्रोग्रामों का समावेशन किया है आज का प्रोग्राम हमारे पास है बैटरी के निर्माण में हाइड्रोलैक्ट्रिक सेल द बिगेस्ट इन्वेंशन इन ग्रीन एनर्जी दोस्तों ये प्रोग्राम हमारा 9 सितंबर 2022 को एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि प्रोफेसर वेनी माधव आईआईटी आई टी खड़गपुर से हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने भारत में बैटरी निर्माण तकनीकी चुनौतियां और अवसर पर अपनी बात कही थी जिसमें कि उन्होंने लीडियम आयन बैटरीज के बारे में बताया था और उसकी लिमिटेशंस के बारे में बताया था आज का जो सेशन है प्रोफेसर कोटनाला मेरे साथ है मैं अभी आप सबका तारुफ कराऊंगा प्रोफेसर कोटनाला से और उन्होंने, और उन्होंने उससे आगे चलकर आज प्रोफेसर कोटनाला लिदियम आयन बैटरी सोलर सेल्स फ्यूल सेल्स इन सब का कंपैरिजन करते हुए एक नया नई बैटरी नया सेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल जिसमें कि कोई प्राइमरीली कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं चाहिए सिर्फ पानी से काम बनेगा और आगे का हमारे लिए स्रोत है ऊर्जा का स्रोत है ये बहुत बड़ा स्रोत होगा इस सब के बारे में हमें चर्चा करेंगे उसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तों आपको मालूम है कि ये सारे हमारे सारे सेशंस हमारे एन सी आर टी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर है और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट एन सी ई आर टी डॉट एन आई सी डॉट इन के इवेंट सेक्शन में है आप इस सेशन और इससे पुराने सारे सेशन इसमें देख सकते हैं मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस सेशन को नौ सितंबर दो हजार बाईस के वेनी माधव के साथ जो सेशन हुआ था उसके कंटिन्यूशन में देखें तो आ, इसके साथ में अब आप आपका आ, मुलाकात करना चाहूंगा प्रोफेसर कोटनाला से जो कि हमारे साथ स्टूडियो में आज शामिल हैं और, नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कोटनाला ये प्रोग्राम सी के साथ ही शुरू हुआ था और आज हमारे पास सी के चीफ साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मुख्य वैज्ञानिक है सी एस आई आर के प्रोफेसर आर के कोटनाला ही and former chairman of national accreditation board of tnc labs in india popularly called nabl he is an outstanding academician with asia pacific academy of materials and is presently advisor on magnetic measurements on indian neutrino observatory that is ino as rajaraman Fellow. Dr. Kotnala has worked as scientist for more than 35 years and held positions as chief scientist and divisional head of Environmental Sciences and Biomedical Metrology and Materials Engineering and Physics in National Physical Laboratory, New Delhi. As chairman of the National Accreditation Board of T&C Laboratories, Dr. Kotnala was responsible for quality infrastructure of the laboratories and industries in India. He obtained his doctoral degree in solar cells from the Indian Institute of Technology, New Delhi, he has been main instrumental in developing laboratories in the areas of green energy, magnetic primary standard and spintronic materials, environmental sciences, nanosciences, and in high electric cells in several universities and institutions across India. Professor Kotnala has been an associate editor of Journal of Applied Physics, United States, and Instu Institution of Engineering Technologies. United Kingdom, Professor Kotnala has authored more than 540 research articles and having more than 11,600 citations in uh, across all peer-reviewed journals in, of international repute. He has also has uh, 15 US and Indian patents and a similar number of industrial consultancies. That's great contribution to uh, of Dr. Kotnala in Indian science he has published four books and has contributed eight chapters in different titles <coughs> dr kotnala is and has been the chairman and member of the boards of several boards of councils governing bodies university grant commissions nominee in various universities economic institutions etc dr kotnala is a recipient of the prestigious renewable energy india 201 2018 award by the ubm which is a leading global company Dr. Kotnala has also won the Material Research Society of India Medal Award in 2008. Dr. Kotnala has also been the JSPS Japan Visiting Scientist Award in 1989. Dr. Kotnala is currently the Vice President of the Magnetic Society of India, President of the Society of Scientific Values, SVS, and Society for Environmental Awareness and Protection, New Delhi besides these numerous awards dr kotnala's scientific contributions have also been recognized or honored by the sigma so scientific societies of united states and also by the office of the naval research united states of america so today professor kotnala will be speaking a lot about uh, the hydroelectric cells and the batteries uh, uh, future of batteries in Across the world and in Indian context too, but we would like to have Dr. Kothnala for at some other occasion too on spintronics etc. Uh, yes, so I now guess, yeah. it's up to you, Dr. Kothnala. It's all yours. Welcome once uh, again. Uh, Thank you, uh, Dr. Thanks. Gagan Gupta. मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैडम तनवी आल्सो उन्होंने भी शुरू में हमें इंट्रोड्यूस किया इस प्रोग्राम के लिए और एन का तो मैं बहुत ही जैसे कहते तहे दिल से कहता हूँ कि धन्यवाद है कि उन्होंने एक इस प्लेटफॉर्म पे ये एक सीरीज़ में बुलाया जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल जो दुनिया की इस समय सबसे बड़ी इन्वेंशन है ग्रीन एनर्जी में क्योंकि ग्रीन एनर्जी में सोलर सेल सोलर सेल पे मेरा अपना पीएचडी पी है इंडिया का मैं पहला पी एच डी सिलिकन सोलर सेल पे और मैं फाइनली उसको करते करते यहाँ तक पहुँचा कि क्या हम कोई एक नया डिवाइस बना सकते थे जिसके अंदर सब कुछ स्वदेशी हो सबसे बड़ी बात यह कि इसमें सब कुछ स्वदेशी है चाहे रॉ मटेरियल की बात करें चाहे उसकी बात फिर दूसरी बात आती है क्या ये इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है हाँ ये बैटरियों की बात छोड़ दीजिए सोलर सेल रीन एनर्जी के और किसी भी उसकी बात करेंगे ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे ये सब एक्सेप्ट हो चुका है एंड राइटिंग में है हमारे पेपर्स के अंदर कि इसमें कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती है हम कोई एसिड अल्कली इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा केमिकल इस्तेमाल नहीं करते हाइड्रो सेल लैब में बनाया उसके बाद उस थोड़ी सी पानी की बूंदें डाली और उसमें सीधी सीधी बिजली पैदा हो गई जब उसमें ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो निकलती है उसको हम यह बताना चाहेंगे कि उस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में के लिए हमने क्या क्या किया और इस समय इसके जिसे कहते हैं बैकग्राउंड में क्या क्या इसके फ़ायदे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस टॉक के अंदर या हमने क्या किया कि एनर्जी एंड एनवायरनमेंट क्या क्या, 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 क्या रोल है और हमारा हाइड्रोलैक्ट्रिक सेल जो जिसका नाम भी देश में मतलब हम ही लोगों ने दिया है मेरी स्टूडेंट डॉक्टर ज्योति साहब मेरे साथ काम कर रही थी और इस पर भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अभी तो टीम यहाँ नहीं पूरे देश में चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो आईआईटी हो और या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी बात करिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी सब इस पर काम कर रहे हैं आ, तो आप ये सोच सकते हैं विदेश में भी काम करना शुरू हो गया तो हमने देश में रह कर के बिना किसी और सहायता के सब कुछ स्वदेशी उसमें कितना अच्छा बनाया गया है और वो एनर्जी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फिट है आ, हिस्ट्री ऑफ बैटरी एवोल्यूशन क्योंकि यदि मैं इसके बारे में बताऊं क्योंकि यदि एक इतना बड़ा सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है तो ये क्या होगा तो बैटरी के बारे में थोड़ा सा मैं एक स्लाइड में दिखाऊंगा ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेज जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा राइजिंग एन्वायरमेंटल कंसर्न ड्यू टू बैटरीज पावर सोर्सेज जो भी हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं बैटरी के रूप में या किसी पावर के रूप में उनके क्या एन्वायरमेंटल कंसर्न है कंसर्न मतलब कि उसमें क्या कमी हमें लग रही है फिर नेक्स्ट ये बात आती है कि वाई रिसर्चर्स नीड टू एक्सप्लोर ग्रीन एनर्जी सोर्सेस कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें ग्रीन एनर्जी सोर्स ही चाहिए फिर हमने इसमें इसके बाद इंट्रोडक्शन टू द दूसरी इन्वेंशन ऑफ हैडल सेल एज ए ग्रीन एनर्जी डिवाइस विच विल बी ए गेम चेंजर इन टूडे सिनारियो एंड इट विल कंटिन्यू इट विल सरपास ऑलर वेदर इट इज ए फ्यूल सेल और ए सोलर सेल ये सारी एनर्जी के डिवाइसों को उनके ऊपर है चाहे हम इन्वायरमेंट की बात करें और ये सब कुछ हमारे जो रिसर्च पेपर्स हैं बहुत अच्छे बड़े बड़े विदेशों में खूब पब्लिश हैं कंपेरिजन हाइड सेल विद अदर बैटरी टेक्नोलॉजीज डॉक्टर गगन गुप्ता ने अभी कहा था कि ये उससे भी कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक सेल एज ए क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसर फॉर अचीविंग गोल ऑफ नेट कार्बन जीरो क्योंकि कॉप ट्वेंटी सिक्स है कॉप ट्वेंटी सेवन भी हो गई सबको नेट कार्बन जीरो करना है मैं आपको बताऊं कि नेट कार्बन जीरो का मतलब ये है कि हमें एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो और मीथेन ना हो क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं तो इनको नेट करने के नेट जीरो बनाने के लिए आपके पास जो भी एनर्जी डिवाइस है यदि वो नहीं देता है ये गैसेस मतलब कार्बन नहीं दे रहा है शॉर्ट में उसको बोलते हैं कार्बन कार्बन तो नहीं उत्पन्न कर रहा है तो ये हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेल है और इसी वे उसमें हम ये कहते हैं द इन्वायरमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अस डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ क्लाइमेट लाइव लिवेबिलिटी कि देखिए हम जी नहीं सकते हैं यदि हमारे पास इन्वायरमेंट के बारे में हम न सोचें और उसको हम इस समय ठीक ना करें ये हम दिल्ली में तो खूब देखते ही हैं इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज़ में देखते हैं यूएस एस की सिटीज में है इंग्लैंड की है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंडिया में कर रहे हैं फ्रॉम सम डिकेट्स इट हैज़ बीन एन इशू ऑफ कंसर्न बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट इंडस्ट्राइजेशन मॉडर्नाइजेशन एंड हैव सीवियरली इम्पैक्टेड आवर इन्वायरमेंट विच नीड द इमीडिएट अटेंशन एंड सोल्यूशन एज वेल विच विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट साइंटिफिक इंटरवेंशन तो यहीं पर हमारी साइंस बताती है कि आप नया आविष्कार करते हैं हम अपने जीवन को आसानी से चला सकते हैं नए आविष्कारों से उसके हमें जी, अपना जीवन बड़ा ही आरामदेह मिलता है और हमारे काम जल्दी से अच्छे से होते हैं तो यहाँ भी हमें एक ऐसी जरूरत थी एक ढूंढ़ थी जहाँ पे हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल को आपके सामने दुनिया के सामने रख दिया है अब ऑल एनी जनरेशन हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दी एन्वायरमेंट वेदर इट इज़ ए ग्रीन हाउस एमिशंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ई जनरेशन और केमिकल वेस्ट सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एनर्जी का हम विकल्प इस्तेमाल करते हैं तो हमें ई वेस्ट जनरेशन एक बहुत बड़ा सिद्धत बन चुका है और केमिकल वेस्ट की कितना मतलब वेस्ट केमिकल उसमें से निकलते हैं जो कि पॉइजनस हैं टॉक्सिक है आप ये देखिए स्लाइड इसके अंदर आपको साफ तौर पे दिखाई देता है कि आपकी बैटरियाँ सेल्स आप ये देखिए कहीं पर यह जैसे कोल के दूसरे वाले जो इंडस्ट्री से निकलते हैं और ये धुएँ और इनमें सब में कितनी बड़ी समस्या है सब इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट का मतलब हम सिर्फ इतना नहीं कहना चाहते हैं कि हमें वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन हो रहा है नहीं हम कहना चाहते हैं कि पानी में भी खराबी हो रही है हम पानी को भी ना करें खराब और साथ साथ में मिट्टी में भी ये सब मिलाए जाते हैं कहाँ जाएंगे ई वेस्ट तो इन सबको करने के लिए आप देखेंगे कि हमें जो है इसमें एक बहुत ही अलग ढंग का डिवाइस चाहिए था जो हमारे पास आज है इलेक्ट्रिक है अब यदि हम देखें कि बैटरीज क्या हम अवॉइड कर सकते हैं ये अब मुझे लगता नहीं है कि हमारा जीवन या हमारा कार्य कोई भी बिना बैटरीज के हो पाएगा ये लगता नहीं है ये आप देख सकते हैं चाहे वो सेटेलाइट की बात करें टॉर्च की बात करें घड़ी की बात करें कार की बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल हम बात करते हैं तो सब में हमें यह सब चाहिए तो बैटरीज क्या कर रही हैं बैटरीज हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस एंड दे कैन नॉट बी रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द डे टू डे लाइफ रिसेंटली टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑन एनवाइ बैटरी ओपन हैव बीन इंट्रोड्यूस इन द मार्केट बट वी रियली थॉट ऑफ यूज टॉक्सिक बैटरी वेस्ट विच विल बी अप आफ्टर टेन ईयर्स ये नहीं मालूम है कि दस साल बाद क्या होगा पाँच साल बाद क्या होगा इस टॉक्सिक वेस्ट की एनर्जी तो जो मिलेगी ग्रीन एनर्जी एमिशन जो हम बात कर रहे हैं कार्बन जीरो की लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें हमारी बहुत ही अलग हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है नीड ऑफ द आर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी डिवाइस हाइड्रो इलेक्ट्रिक सर देयर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी जनरेशन अलंग विद ए बैलेंस बिटवीन आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड एनवायरमेंट इज नीड ऑफ द आवर टू मिटिकेट दीज ईशूज़ आप ये देख सकते हैं कि तराजू में एक तरफ सेल और बैटरीज रखी गई हैं और दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो ये हमारे बनाए हुए हाइड्रोलैक्ट्रिक सेल हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा बाद में कि ये कैसे काम करता है आप देखेंगे और वो टोटली ग्रीन है तो इसमें हमें क्या करना था मेन है कि इनक्रेडिबल इन्वेंशन ऑफ ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी डिवाइस इज द बून फॉर रिवर्सिंग द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट क्राइसिस दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो अभी क्राइसिस चल रहा है एनवायरमेंट का उसको हम बिल्कुल रोक करके उल्टा मतलब साफ करना चाहते हैं इसमें हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल बहुत बड़ा आ, उपाय है देखिए सबको मालूम है कि हम बैटरी का इवोल्यूशन कैसे हुआ आपने शायद पिछली सीरीज भी देखी होगी वोल्टा सेल बने 1800 में वोल्टा पाइल 1.1 वोल्ट उसका वोल्टेज था फिर डेनियल सेल बना फिर आपने देखा कि लंची सेल बना 1866 में फिर उसके बाद लेड एसिड बैटरी 1860 में क्या आप सोच सकते हैं कि लेड एसिड बैटरी जब से बनी है आज भी हम उसके इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो कितनी कॉरेसिव है उसके अंदर एस टी के फूम हम घर में यू वो चलाते हैं यू चलाते हैं उसमें से भी एसिड के आपको एस टी के सारे वेपर्स मिल रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हैं और इसके अंदर जो लेड इस्तेमाल होता है उसकी हालत आप देखेंगे बड़ी विचित्र है कि वो हमारे लिए कैंसरस है फिर आ गया सोलर सेल जिसमें हमने भी बड़े शौक से पी करी और बड़े अच्छे से किया काम को आप ये देखेंगे कि ये 1883 में बन चुका था लेकिन कॉमर्शियल इसी सेंचुरी में आया टू मतलब ट्वेंटी सेंचुरी में और ट्वेंटी में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसके बहुत फ़ायदे हैं लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसान हैं वो मैं अगले आगे बताऊंगा फिर लिथियम आयन बैटरी आई जो 1970 मतलब आज से 50 साल पहले आ चुकी थी और अब मार्केट में है आप देख सकते हैं लिथियम आयन बैटरी और अब ये देखेंगे कि ये 2016 में आर के कोटनाला ज्योतिशाह वी आर द इन्वेंटर फॉर आवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल बहुत सिंपल सादा और बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता कितना देता है ये 0.98 वोल्ट एक सेल दे रहा है और 27 सेवन मिली एमपियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में 27 सेवन मिली एम जो कि सोलर सेल के बराबर है सोलर सेल 30 मिली एम देता है एवरेज बात हो रही है तो आप अंदाजा लगाइए कि हम कितनी कहाँ तक पहुँच गए हैं जब हम आते हैं कि सोलर सेल पे आते हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सोलर सेल तो ये सीधा सबको पता ही है वो आपको पहले भी बता दिया गया हो कि सूरज की रोशनी पड़ी सनलाइट उस फोटोन से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ और पी एन जंक्शन सिलिकॉन सिलिकन में बनाया जाता है उस पी एन जंक्शन पे आपने क्या किया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए थे उनको सेपरेट करना पीएन जंक्शन का काम है और वो माइग्रेट करते हैं अलग अलग पीछे ओमे कांटेक्ट में ऊपर देखेंगे एंट्रीशन कोटिंग है ब्लू कलर की और ये सिल्वर के इसमें फिंगर पैटर्न्स बने हुए हैं और आपको एक करंट एंड वोल्टेज मिल जाती है अब क्योंकि ये मैं काफ़ी कर चुका हूँ आप लोग भी देखते हैं हर एप्लीकेशन में सिलिकन सोलर सेल दिया हुआ है अब ये आया कि क्या ये हाइड्रोलैक्ट्रिक सेल क्या है ये देखिए आपके सामने ऑक्साइड मटेरियल लिया है और इसमें वाटर गिरा और उसने H+ प्लस एंड ओ एच आईन में ब्रेक किया OH आयन गया जिंक पे और जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो इधर गए H+ प्लस आयन गया कैथोड पे सिल्वर के और वहां पे हमें मिल गया हाइड्रोजन गैस तो अब इसी तरह से यदि हम वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल की बात करते हैं तो फ्यूल सेल के स्टैक में एक तरफ से हाइड्रोजन जाती है दूसरी तरफ से ऑक्सीजन जाती है बहुत हाई प्योरिटी की और बीच में जो मेम्ब्रेन लगी है जिसको हम मोस्टली पैम कहते हैं बहुत ही महंगी प्लेटनियम ये इसमें अलग अलग तरह के रोडियम अलग अलग तरह के कैटलिस्ट हैं और इसकी दोनों चीज़ें बड़ी वैसी हैं कि एक तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो ली जा रही है बहुत हाई प्योरिटी की 99.99 परसेंट .99 हायर तो वो बहुत महंगी है दूसरा ये है कि इससे ये इससे बड़ा अच्छा विकल्प कोई नहीं है लेकिन ये बहुत महंगा है क्योंकि ये इसके जो आउटपुट हैं वो सिर्फ पानी है तो हमें यह दिखाई देता है कि फ्यूल सेल भी बहुत बेहतर है लेकिन इसकी अभी टेक्नोलॉजी जमी वो बन चुकी है पायलट स्केल पे पर अभी इसको और अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए और इतना महंगा होने से टेक्नोलॉजी भी और इसकी पॉइजनिंग हो जाती है बड़ी जल्दी मेम्ब्रेन की जो कि बहुत महंगी है तो आपकी मेंटेनेंस की भी बहुत खर्चा है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल में कुछ भी नहीं है आप देखेंगे ना के बराबर उसमें आएगा सम मेजर ड्रॉबैक्स रिक्वायरमेंट हाई प्योरिटी हाइड्रोजन हाई कॉस्ट हम मैं बता चुका हूं आपको हाइड्रोजन स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन इशूज एंड सेफ्टी इशूज हाईली इंफ्लेबल हाइड्रोजन इज बींग यूज तो क्या हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात करते हैं कि बाई डिफरेंट सेक्टर्स तो डिफरेंट सेक्टर क्या हमारे ग्रीन हाउस गैस हमें कई बार नहीं मालूम होता है इस, हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं पब्लिक को पता नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन के लिए हमें 25 परसेंट ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में भी देखिए लैंड यूज जो कर रहे हैं उसमें 24 परसेंट की ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है इसमें मेनली मिथेन है वन ऑफ इट बिल्डिंग्स जब बनाते हैं तो उसमें भी सिक्स परसेंट है ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ फोटीन परसेंट की ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं और इंडस्ट्री ट्वेंटी वन परसेंट करती है और अदर एनर्जी टेन परसेंट तो आप ये देखेंगे कि गैस एमिशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी एक ही चीज़ दे रही है एक कंपेरिजन जो था इम्पैक्ट एनर्जी जनरेशन इन्वायरमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आप ये देख सकते हैं मैं इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा लेकिन ये देखेंगे कि यदि बायोमास की प्लानिंग कॉसिस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एयर पोल्यूशन इम्पैक्ट लैंड इम्पैक्ट वाटर इम्पैक्ट अदर इम्पैक्ट आप देखेंगे इसमें बायोमास में मॉडरेट है ऐसा नहीं है कि जीरो है कोल में देखेंगे हाई 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 थ्रू आउट न्यूक्लियर में देखेंगे हाई 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 थ्रू आउट लो सिर्फ देता है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट में लेकिन उसके और दूसरे कंसर्नस हैं एयर पोल्यूशन इम्पैक्ट उसमें भी दूसरे कंसर्न है लो है वैसे नेचुरल गैस की बात करते हैं वो भी आपको देखिए क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट बहुत हाई है वाटर इम्पैक्ट बहुत हाई है सब जगह मॉडरेट है सोलर सेल की बात करते हैं लो 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 लेकिन लैंड इम्पैक्ट मॉडरेट है एंड वाटर इम्पैक्ट लो और विंड की बात करते हैं तो उसमें भी लैंड इम्पैक्ट मॉडरेट है मतलब उसका इम्पैक्ट मॉडरेट मतलब बीच का ना ज़्यादा ना कम लेकिन है और जहाँ नॉइज विजुअल हैं वो भी मॉडरेट है तो विंड के भी अपने लिमिटेशंस हैं विच आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू लेड एसिड बैटरी की बात करते हैं सॉरी <coughs> लेड हमने आपसे कहा कि बहुत टॉक्सिक है ये लेड एसिड के आपको जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कनेक्टर सल्फर सोल सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन ये सब लिखा हुआ है और लेड एंड लेड परॉक्साइड के उसके दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स मतलब जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं वो यूज़ होती हैं लेकिन लेड कैन डैमेज ए डेवलपिंग बेबीज नर्वस सिस्टम इट कैन कॉज कॉमा कन्व्यूजन्स इवन डेथ इन चिल्ड्रन सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन बैटरी इज़ हाईली कॉरसिव मे लीड टू सीवियर इंजरीज इफ द पर्सन इज एक्सपोज टू इट ओवरऑल लेड एसिड बैटरी इज लाइक एन एक्सप्लोसिव विच कैन कॉज एक्सप्लोजन इफ नॉट हैंड नॉट हैंडल केयरफुली तो ऐसा नहीं है कि अब आ जाते हैं हम फ्रॉम दी आर्टिकल इन ए मैगजीन डाउन टू अर्थ आपको पता ही होगा कि डाउन टू अर्थ एक बहुत अच्छी मैगजीन है जो क्लाइमेट uh, चेंज पे इस पर काफी बात कर न्यूज uh, देती है अच्छी टाइम्स रनिंग आउट इज इंडिया रेडी टू हैंडल थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टन ऑफ सोलर वेस्ट बाई ट्वेंटी थर्टी ये वो वो डेटा से है जो डेटा में हमने अभी ये नहीं किया है कि हम और सोलर सेल की मतलब गीगा वाट बढ़ाते जा रहे हैं रीन्यूल एनर्जी में ये उस पुराने डेटा पे यदि देखते हैं कि 280 एटी गीगा पे इतने टन सोलर वेस्ट आ रहा है एंड आप ये मत सोचिए कि ई वेस्ट ही है उसमें मेटल के भी हैं और ख़ास तौर पे जो आपकी बहुत ही मतलब हमें कहेंगे ख़तरनाक आर्सनिक, लेड कैडमियम ये सब भी उसमें अच्छी तरह से शामिल है तो कैस कैसे हम इसको करेंगे जबकि फोटोवोल्टैक्स जो है थ्री परसेंट ही कर पा रहा है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का Uh, लेकिन वो टेलोरियम भी वर्ल्ड का 40 परसेंट यूज़ कर रहा है 15 परसेंट ऑफ वर्ल्ड सिल्वर इस सबसेंशियल चंक ऑफ सेमी कंडक्टर ग्रेट क्वार्स एंड लेसर बट स्टिल सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ इंडियम जिंक टिन एंड गैलियम तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सोलर सेल जब बन रहा है तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ का सेक्रीफाइस और करना है जब आते हैं हम टॉक्सिक केमिकल वेस्ट फ्रॉम लिथियम बैटरीज लिथियम बैटरी एक बहुत अच्छा विकल्प निकला हमने लेड एसिड बैटरी की जगह कई जगह इसको इस्तेमाल करना शुरू किया लेकिन कहाँ समस्या है समस्या ये है टॉक्सिटी टॉक्सिक केमिकल समस्या ये हो रही है कि कैसे हम उसको जो टॉक्सिक वेस्ट निकलेगा उसको कैसे हम डिफ्यूज़ करेंगे क्योंकि वो लैंड में भी नहीं रहना चाहिए पानी में भी नहीं रहना चाहिए सो द लो क्वालिटी बैटरी कैन एक्सप्लोर्ड इफ ओवरचार्ज ये समस्या है द टॉक्सिक मेटल्स अदर देन लिथियम is used in the most of batteries are beyond the permissible limits as reported by the study which can lead to their leaching from the nearby area in large causing toxicity to humans as well as other biota for their disposal you can see that how much lead we are consuming cobalt copper nickel so with the even for the case of lithium batteries we are using our very expensive एंड रेयर मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा वो नहीं अवेलेबलिटी ऑन द अर्थ कस्ट वो भी उसमें लगते हैं देन द सम ऑफ द आई ओपनिंग डाटा वट वी नो दैट की एनलिस्ट ने ट्वेंटी थर्टी में कहा कि द वर्ल्ड वाइड नंबर ऑफ यूज लिथेमायन बैटरी वेस्ट विल रीच टू मिलियन मीट्रिक टन्स पर ईयर दो मिलियन मतलब बीस लाख टनस पर ईयर लिथेमायन का कैसे डिफ्यूज करेंगे क्या रिसाइकल कर सकते हैं क्या होगा <coughs> वो समस्या अभी भी बनी हुई है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इन एजेंसी फिगर ऑफ डेड सोलर पैनल्स ग्लोबली में रीच टू एट मिलियन टन्स पर ईयर आप ये देखिए कि एट मिलियन टन से फिर उसको क्या करेंगे सिलिकन के लिए काम चल रहा है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में भी चल रहा है कि इस सिलिकन सोलर सेल को कैसे दोबारा रीयूज कर सकें रिसाइकल कर सकें लेकिन समस्या गंभीर है अभी कोई बड़े सोल्यूशन कहीं नहीं निकले हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया ओनली फ्रैक्शन ऑफ लेड एसिड बैटरीज आर रिकवर्ड बैक फॉर रीसाइकलिंग रेस्ट आर हैंडल केयरलेसली कॉजिंग केमिकल एक्सपोजर्स एंड इम्पोर्ट ऑफ लीड लेड फ्रॉम अदर कंट्रीज द वेस्ट वाटर फ्राम इंडिया सिक्स हंड्रेड फिफ्टीन टाइम्स मोर देन द लेड देन परमिसेबल लिमिट्स कैसे कंट्रोल करेंगे मैं ये सब बात हम अपने यंग माइंड से वो करना चाहता हूँ शेयर कि देखिए समस्याएं भयानक हैं हमें उससे कैसे करना है हम ही लोगों को हल ढूंढना है और उसके अंदर ये देखिए पृथ्वी का एक हमने आधा हिस्सा दिखाया कि पृथ्वी तो ऐसे हो जाएगी आप देख लीजिए फ्यूचर कंज स्ट्रिक्ट स्टेप्स विल नॉट बी टेकन क्योंकि हमारे पास तो अर्थ एक ही है वी डोंट हैव एनी अदर प्लेनेट टू लिव इट मीन्स इसको कैसे बचाना है क्या हो सकता है इसके लिए हमें बहुत कुछ वैज्ञानिक तरीके से सोच करना है साइंटिफिक वे में हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे आज हाइड्रोलिक सेल का इन्वेंशन है दूसरी चीज़ों को भी हम निकाल सकते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि ये भी हमने यहीं किया है वट इज ग्रीन एनर्जी अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन एनर्जी एजेंसी ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड्स द हाइएस्ट इन्वायरमेंटल बेनिफिट एंड इंक्लूड्स पावर प्रोड्यूस बाय सोलर विंड जियोथर्मल बायोगैस लो इम्पैक्ट हाइड्रो पावर एंड सर्टेन एलिजिबल बायोमास मुझे ये जरूरी लगा कि आप लोगों को ये बता दें कि ये ग्रीन एनर्जी है क्या और ये ई यूएस की है मतलब तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑल दो इट इंक्लूड्स अ सोलर एनर्जी बट दे इलेक्शन ऑफ सोलर पैनल्स इन लार्ज एरियाज आर नॉट ओनली थ्रेड टू अवर बायोडावर्सिटी दे ऑल्सो इम्पोज द प्रॉब्लम यूज ई वेस्ट एंड केमिकल वेस्ट एट दी एंड पता सबको है पूरी दुनिया में पता है लेकिन कौन सा देश इसके लिए कितना काम कर रहा है कुछ ही लोग कुछ ही देश इस पर काम कर रहे हैं कि हम दे इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं इन दिस डायरेक्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल हैज इमर्ज एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर जेनरेटिंग एनर्जी विदाउट ग्रीन हाउस एंड टॉक्सिक एमीशंस एंड इट डज नॉट पोज एनी डिस्पोजल इशू एंड इशू इज कि इसके डिस्पोजल की कोई समस्या नहीं क्योंकि ये बाय कंपेटेबल है नो टॉक्सिटी और जो जब ये इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसको तो तब भी ये हमें क्या दे रहा है बिल्कुल सिंपल तरीके से चीज़ों को कोई एसिड अल्कली कुछ नहीं कर रही है अब डिफ क्या है कि इसके अंदर हमने ये किया यदि आपने शुरू में देखा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल लिया उसको डिसोशिएट किया मटेरियल से उसके नैनोपोर से उसके अंदर हमने उसको खास तौर पे ऑक्सीजन डिफिजेंट बनाया और फिर उसके बाद मटेरियल की बात कर रहे हैं हम फेराइट मेटल ऑक्साइड आप टिन ऑक्साइड की बात करें आप सिलिकन ऑक्साइड की बात करें आप एलुमिना की बात करें हमने हर उसको किया क्योंकि ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब आप वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं वाटर स्प्लिट एक कम से कम सौ साल से चल रहा है सौ से भी ज़्यादा क्योंकि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस आपको पता है आप सीधा उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं पानी में उसमें थोड़ा एसिड डालते हैं या अल्कली डालते हैं एंड यू आर गेटिंग दी योर हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस लेकिन हमारे केस में हमने क्या किया वाटर स्प्रिटिंग के लिए वो इस्तेमाल करा कि मेटेरियल लिया बनाया लैब में उसमें बहुत सालों से हम करीब उन्नीस uh, साल से यही काम करते रहे कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे कि एच प्लस एन ओ एच आयन में स्प्लिट करेंगे और उनको कलर करके हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं और उसका एक बाय प्रोडक्ट जो दो हैं जो अभी दिखाए गए हैं हाइड्रोजन गैस है जो कि बहुत ही न, आपको पता है कि ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के लिए बहुत ही वो है इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ में हमने क्या किया कि उसका जो दूसरा बाय प्रोडक्ट है जिंक हाइड्रोक्साइड वो भी नैनो पार्टिकल में मिलता है तो बाय प्रोडक्ट भी बहुत यूजफुल है ये तो एक गाय की तरह हो गया कि उसका दूध भी ले रहे हैं हम उसके गोबर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हर चीज़ को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो फायदेमंद ही है और क्यों नहीं हमें जैसे हम गाय को पूछते हैं तो क्यों नहीं हम इस बारे में हडल सल के बारे में सोचते हैं क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का जो स्प्लिटिंग था दुनिया में पहले तो एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए था ऑक्सीजन बाद में कुछ लोगों ने क्या किया कि बहुत महंगे जैसे हम फोटोकेटलेटिक स्प्रेटिंग ऑफ वाटर कहते हैं वाटर स्प्रिटिंग तो वाटर के मॉलिक्यूल को फोटो कैटलिटिक मतलब लाइट में पर्टिकुलर पहले यूवी में अभी सोलर एनर्जी में भी डालते हैं और जो आपके फिर वही कैटलिस्ट हैं वो फिर वही प्लेटिनियम रोडियम बड़े महंगे निकल बहुत ही महंगे हैं और उन पर हम करते हैं लेकिन क्या निकालते हैं सिर्फ हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं और वो भी जरा सी अमाउंट की हाइड्रोजन का प्रोडक्शन मैं आपको अगले स्लाइड्स में बताऊंगा कि देखिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल में एक इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन निकाल पा रहे हैं यदि हम उसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहे दूसरा पार्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा एक अपने आप में विशाल का है और उसके पे भी हमने ऑलरेडी दो टू में एक बहुत बड़ा पब्लिश जो हाइड्रोजन एनर्जी पर सबसे बड़ा पेपर है मतलब जर्नल है इंटरनेशनल उसमें पब्लिश किया और अभी हम उसमें बहुत आगे निकल चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए हम लोग कर रहे थे डिफरेंट टेक्निक से लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिसिटी करने की कोशिश नहीं पैदा कर रहे थे एक दो ने कोशिश कर रही थी लेकिन जैसे हमारा आया 2016 में उसके बाद उन्होंने वो काम बंद कर दिए उसमें जर्मनी था जापान था यूएस थे वो लोग इंग्लैंड सॉरी यूके सो दे आर वर्किंग ऑन दैट कि हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बट देर एबल टू प्रोड्यूस ओनली ए नैनो इन नैनो एम्पियर करेंट नॉट इन मिली एमपियर वॉट वी गेट सी द ऑर्डर ऑफ द चेंज तो इससे क्या हुआ कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने फर्क में आ गए अब आगे बात आती है कि क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल क्या है ए बून फार्मासिस आप अंदाजा लगे ये बून फार्मासिस है वरदान है ये ग्रीन एनर्जी सोर्स का डॉक्टर कोटनाला एंड ज्योतिषा सी एस एल एन पी एल में बैठ के इन्होंने इन्वेंशन की और इसका नाम भी रखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स यूजिंग नो एसिड अल्कली यू बीट दिस इन्वेंशन इज ए सोसाइटल इम्पैक्ट फॉर रूरल रीजन इट हैज बिग एनर्जी फ्रॉम फ्रांसपूट वाटर हैज ओपन ए न्यू क्लास ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी हर सेल कैन बी यूज इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स स्पेशली इन रूरल एरियाज हमने कुछ दिखाएं क्योंकि शुरू में जब कोई भी होता है तो बेबी जैसे न्यूली बॉर्न है कोई भी इन्वेंशन है वो भी बेबी की तरह है छोटा सा इन्फेंट प्रोड्यूस हुआ फिर उसको बेबी की तरह करते हैं उसको थोड़ा सा मूव कराते हैं सो वी हैव कम टू दैट लेवल अब हम उसको दौड़ाने की स्थिति पे जा रहे हैं आगे तो उसमें ज़रूरी बात है कि हमें यदि हमारी सरकार या हमारी इंडस्ट्री उस पर मदद करे सपोर्ट करे जो अभी तक हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है अब सवाल ये आता है कि क्या ये हाइड्रोलिक सेल ऐसा है तो देखते हैं कि हाइड्रोलैक्ट्रिक सेल ये देखिए हमने एक ये मैग्नीशियम फेराइट है इसमें लिथियम सब्सिट्यूट किया हुआ है बट ये सब सॉलिड स्टेट है ये आयनिक फॉर्म नहीं है मतलब सॉलिड में लिथियम ऑक्साइड यूज किया गया था तो आप ये देखेंगे कि नैनोपोर के अंदर कैसे वाटर का मॉलिकुल डिसन होता है सरफेस पे होता है रिएक्शन हमने सीधी लिख दी है कि लिथियम सोडियम मैग्नीशियम फेराइट वाटर इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोनियम आयन मतलब H प्लस आयन एंड ओ एच आयन और जिंक इलेक्ट्रोड पे जो कि हमारा एनोड का काम कर रहा है वो उसने लिया उस पर चला गया जिंक प्लस टू हाइड्रोक् टू ओ एच आन गिवस यू द जिंक हाइड्रोक्साइड दो इलेक्ट्रॉन हुए वो इलेक्ट्रॉन एच थ्री ओ प्लस आय जो यहाँ गया जिंक पे क्योंकि ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये सामने सिल्वर की फिंगर प्रिंट है और ये मेटेरियल है इसको इसीलिए दिखाया कि ये हाइली पोरस है और इस पोरस में हम क्या कर रहे तो इसलिए सेल का पोटेंशियल भी दिया जो हम इसमें कर पा रहे हैं अब सवाल ये कि सेल बनाया तो क्या ये सेल बनाना ऐसा था कि क्या हमने मिक्स कर दिया कुछ केमिकल हाँ आप देखेंगे कि इसकी इसका एक बहुत अच्छा और बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी का वो है सिंथेसिस प्रोसेस सॉलिड स्टेट रिएक्शन मेथड हमने क्या किया आप देख सकते हैं लिथियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट आयरन ऑक्साइड मिक्स और ग्राइंड किए फिर उनको पाउडर कर बना के प्री सेंटर किया प्री सेंटर मतलब हम उनको 800 डिग्री सी के पास हीट करते हैं कुछ घंटों के लिए फिर दोबारा उस पाउडर को निकाला उनको फिर दोबारा ग्राइंडिंग करी उनकी पैलेट बना दी क्योंकि ये देखेंगे ये पैलेट हैं ओरिजिनल पैलेट के फ़ोटो हैं ये ओरिजिनल एक सर्कुलर दो इंच का हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल है लेब में बनाया हुआ और सब कुछ लैब में बनता है आप ये देखिए कि हमारे स्कॉलर मेरे स्टूडेंट्स मेरे स्टाफ छोटा सा

और बैक साइड पे बजाय इसको करने के कि जिंक हम इस पर पहले एवेपलेट कर रहे थे आर पटरिंग कर रहे थे लेकिन अब हम उस पर जिंक की एक फाइल लगा देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इकोनॉमिकल और बेटर है तो ये हमारा ये बन गया आपका हाइड्रो सेल आ, इसके अंदर क्या साइंस है कैसे मतलब नैनोपोर्स इंपॉर्टेंट बात यही थी कि जो मटेरियल बनाया गया जो हमारा हाइड्रो सेल का मटेरियल है उसके अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात करी कि एक तो उसको नैनो मतलब नैनोपोरस बनाया थर्टी परसेंट के करीब पोर्स हैं उसमें छोटे छोटे साइज के थ्रू आउट और उसके साथ साथ हमने उस पर क्या किया ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्रिएट करी क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड का मिक्सचर है तो यदि उसको हम करते हैं तो ऑक्सीजन की डिफिशेंसी करने के बाद हमने क्या किया कि इसके बाद दो इलेक्ट्रोड लगा दिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दो इलेक्ट्रोड सिल्वर एंड जिंक अब आप ये देखेंगे कि ये वो कम्बिनेशन है मतलब साइंस में इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी मेटेरियल साइंस ली ऑक्सीजन डिफिशेंसी उसके बाद नैनो साइंस यूज करी नैनोपोर्ड जो क्रिएट किए गए ऑक्सीजन डिफिशियंसी भी क्रिएट की गई थी और फिर हमने इन पर दो इलेक्ट्रोड लगाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लगाई तो तीनों का कॉम्बिनेशन बन के ही हमारा हाइड्रो आया है अब ये कैसे वो होता है तो ये मैं नहीं बताना चाहूँगा यहाँ पे एक सिर्फ आपको इनमें मैं पिक्चर दिखाते हुए आगे दिखाऊंगा कि ये देखिए कैसे हमारे लेटिस में क्या हो रहा है होल्स में आपके एच प्लस ओ वैन क्या हो रहे हैं आपको थोड़ा ज़्यादा देखना हो तो आप हमारे नाम से देख करके देख बहुत सारे आर्टिकल अवेलेबल हैं रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं हाइड्रल सेल की वी आई परफॉर्मेंस वोल्टेज करेंट कैसे बढ़ती है कैसे चेंज होती है ये दिखा रखा है कि जैसे वन पॉइंट फोर थ्री वोल्ट हमें टिन ऑक्साइड के एं एंटीवे सब्सिटीट्यूट टिन ऑक्साइड इस्तेमाल किया था और उसमें 93 थ्री मिली एम आया और हमने उसको किया हमने बहुत सारे ऑक्साइड्स पे काम किया है इसको एक बहुत साइंटिफिक तरीके से कि क्या ऑक्सीजन डिविजन लैटिस एक्सपोज हो रही है सरफेस पे लिथियम मैगनियम फेराइट के तो ये हमने उसके नैनो पार्टिकल साइज भी लिए हैं लैटिस में स्ट्रेन कैसे आया यदि हमने कोई चीज़ें डाली हैं या ऑक्सीजन डिविजन किए हैं तो मैग्नीशियम uh, फेराइट में इसी तरह ऑक्साइड्स में तो कैसे स्ट्रेन है ये एच हाँ आर टेम के फोटो हैं इमेज ये क्या आपके कैसे किस तरह की आपकी इमेज हैं फेराइट पार्टिकल कैसे हो रहे हैं क्या प्लेन है मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहूँगा कितना पोरस है मटेरियल आप एस सी एम पिक्चर से देख सकते हैं और यदि नैनो पोर हैं तो हमने एस सी एम से ही उसको अपने सैंपल को क्लीव किया तोड़ा और साइड से लिया तो जैसे 200 नैनोमीटर के करीब डेप्थ के ये लंबे नैनोपोर्स आते हैं 50 नैनोमीटर और ये वेरी करते हैं 150 फिफ्टी नैनोमीटर तक डाया के नैनोपोर तो ये भी हमने इसमें वो किया और यदि हम चाहेंगे कि पोरसिटी क्या है तो हमने उसके लिए बेट सरफेस एरिया है इससे बड़ा कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसने ये बता दिया कि देखिए हमारा 165 मीटर स्क्वायर पर ग्राम एक ग्राम कैन बी दिस मच ऑन दी 165 मीटर स्क्वायर यू कैन इमेजिन हाउ मच सरफेस एरिया इट इज़ प्रोवाइडिंग दैट वे तो ये मेजरमेंट भी किए गए और ये हमने हमारी जो पैलेट है जो छोटी एक इंच की होती है वन बाई इंच की वन बाई वन जो मैं तुम्हें तो दिखाऊंगा वो तो सिर्फ हमारी ढाई तीन ग्राम की होती है तो आप इमेजिन करिए कितना बड़ा सरफेस एरिया इससे हमने बढ़ाया नैनोपोर में हमारा एच प्लस आयन जाता है जब मूव कर रहा है वो उसके अंदर ट्रैप होता है तो अब क्या होता है जैसे ही ट्रैप हुआ वो तो उसके अंदर एक हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हुआ ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन पावर फोर वोल्ट पर सेंटीमीटर और वो इमीजिएटली कोई भी वाटर मॉलिक्यूल जो हमने ऊपर से डाला सरफेस पे सेल uh, के तो वो इमीजिएटली दो आयनों में टूट जाता है एचप्ल में एंड जैसे फिजिड स्टार्ट होता है केमिक डिसोसिएशन से फिर उसके बाद मतलब वाटर मॉलिक्यूल कैसे डिसोशिएट हो रहा है स्प्लिट कैसे हो रहा है तो इट दिस टेक्निक वी हैव डेवलप्ड और क्या उस पर एच प्लस आय एच ओ एच आइन होगा तो ये ऑटोमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की एक स्पेशल वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने इमेज के कॉन्ट्रास्ट देख करके ये डिसाइड किया उस पर वोल्टेज लगाई बाहर से जिससे कि प्लस माइनस से करके अट्रैक्शन हो और रिपल्शन हो ए की टिप पर जब हमने उसको क्या दिया हो कि उस पर एच प्लस आयन है या नहीं जब वाटर डाला तो एच प्लस आयन की इसमें हमें वैलिडेशन मिल गई कन्फर्मेशन मिल गई हमने हालांकि उसको और चीज़ों से भी किया था जिन्हें हम इम्पिड इंस्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं और भी प्रोसेस किए थे हमने कोई नहीं दिखाया तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो हाइड्रोलिक सेल की क्या क्या, -क्या एप्लीकेशन्स सामने दिखाई देती हैं ये चाहे ड्रोन चला लें क्योंकि बहुत लाइट वेट है मैंने आपसे अभी तो बताया कि हमारा छोटा सेल भी तीन चार पाँच ग्राम से ज़्यादा बड़ा नहीं है आप इसमें हाइड्रोजन गैस भी इस्तेमाल के लिए यूज़ कर सकते हैं बैटरीज में भी पावर बैकअप यू में मोबाइल चार्जर क्योंकि इनिशियल स्टेज़स पर हम चाहेंगे कि लो पावर करें ये भी हमारा एक्चुअल पिक्चर है कि देखिए कि हमने सेल्स को ऐसे स्टैक करके रख देते हैं और फिर उनके बाहर से करके एक बैटरी करके सब कुछ हम ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं इसलिए हमने ये दिखाया हम इसके अंदर आपको एक ये दिखाना चाहेंगे कि हमने ग्रीन दिया बनाया लैब में अब हमें सबको मालूम है कि हम एक आयल लैम्प चलाते हैं चाहे दिवाली हो चाहे पूजा हो और उसके अंदर कितना पी एम टू पॉइंट फाइव आपको मिलता है नॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड कितनी मिलती है कार्बन ऑक्साइड कितनी मिलती है स्मोक कितना मिलता है ठीक है तो आप देखेंगे कि हाइड्रोक सेल में पी एम टू पॉइंट फाइव नील नॉक्स नील सी ओ नील दिवाली के टाइम में इसमें ये हम हमने तीन सेल लगा रखे हैं छोटे छोटे देखेंगे ऑर्नरी दिए पे और ये एक एलईडी का वो लगा दिया तो ये ट्रू है बाकी जो मार्केट में मिल रहा है उसके अंदर तो बैटरियाँ लगी हुई हैं अंदर नीचे सेल्स से लगा रखे हैं उन्होंने बटन सेल लेकिन ये हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल हैं सामने दिखते हैं और आप देख सकते हैं कि ये लाइट तीस थर्टी घंटे चला सकता है और इसमें कोई दोबारा हल भरना पड़ेगा ये सिर्फ एक घंटे जलती है तो कितनी मतलब इसका ये एक प्रोडक्ट बन चुका है इसको और अच्छा आप लैम्प देख सकते हैं कैसे ग्लो कर रहा है एल वाला आपके च, चमक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमने चार ही हॉलो सिलेंडर बना रखे हैं क्योंकि हम उसको प्लेटफॉर्म में नहीं बनाते हम हॉलो सिलेंडर बनाते हैं हमें यदि कॉस्ट की बात करते हैं तो हम यदि पर किलो वाटा की बात करते हैं तो ये सेवन डॉलर है लेकिन ये आपके किसी बैटरी से बहुत कम है लिथियमायनवे बहुत बहुत ही लो है और क्योंकि हमें उस पर अभी प्रोडक्शन पे गए नहीं है पायलट प्लांट पे गए नहीं है तो इट विल कम डाउन लेकिन पानी आधा लीटर चाहिए यदि एक घंटे आपको हंड्रेड वाट की एल ई या कोई भी सोर्स यूज़ करना है इसके बहुत सारी चीज़ें प्राइड ऑफ इंडिया पास ब्रेकिंग इन्वेंशन फ्रॉम इंडिया ऑफर्स सेफ़ क्लीन लो कॉस्ट लाइबल पावर जनरेशन पोर्टेबल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एनवायरमेंट फ्रेंडली ये सब हम बात कर चुके हैं आपसे क्या है यदि हम आयन बैटरी की बात करें और सोलर सेल की बात करें और हाइड्रोज आप ये देख सकते हैं करंट से भी राइट और सोलर सेल तो चलता है सिर्फ आठ घंटे ये हमारा चौबीस घंटे चलने वाली चीज़ है क्योंकि इसके लिए कोई लाइट नहीं चाहिए कोई उन... लिथियम आयन बैटरी का देखिए कि कितना कम पावर मिलती है पर के में और हम कितनी निकाल लेते हैं और ये लगातार जाती है कॉस्ट वाइज देखेंगे देखिए कॉस्ट और लिथेमायन बैटरी है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपी पर किलोवाट वाट आर और हमारी अभी पाँच सौ साठ रुपए और इधर देखेंगे सोलर सेल की तो वो तो इनिशियल कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या है वो छोड़िए अब आगे क्लीनेस्ट क्लीनस्ट फ्यूल हाइड्रोजन हमने कहा कि जैसे हम हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं तो ये हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल से निकाल सकते हैं और वो है नाइन्टी परसेंट जनरेट होती है आप ये देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं आप देखिए सिंपल हमने एक जार लिया उसको वा मतलब टाइट बनाया और एयर टाइट बना के बाहर से छोटी सी वोल्टेज पावर लगाई दस वाट सिर्फ और ये हमारे हाइड्रो सेल हैं थ्री बाई थ्री इंच के सब लैब में बने हुए ये हमने अंदर इसके चार सेल रखे हुए और इधर हाइड्रोजन कलेक्ट होती है अब ये भी सब कुछ सामने है एप्लीकेशन हाइड्रोजन गैस आई नीड नॉट टू से आर आर यू नो लॉट ऑफ आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन आर देयर हाइड्रोजन प्रोडक्शन मेथड बहुत सारे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कोल जला करके है नेचुरल गैस से बनाते हैं ऑयल से बनाते हैं लेकिन जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल पर जाते हैं तो हम हमें एक बहुत हाई प्योर इनमें सब में प्योरिटी बहुत लो आती है प्योरीफाई करते हैं तो आपको बहुत बोलता है सी बहुत निकलती है और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती हैं हमारे उसमें कुछ ऐसा नहीं निकलता है मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल को जो इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव निकला है हाइड्रो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का कि हम इस पर बाहर से लो पावर लगाएंगे तो प्योर हाइड्रोजन जनरेशन बाय फोटो कैटलिस्ट से करते हैं लोग ये लोग इससे कर रहे थे लेकिन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर बहुत ही कम है प्योर हाइड्रोजन जनरेशन इलेक्ट्रोकैटलिस सीओ टू एमिशन बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हैं गैसोलिन वाहकल टाइप हाइड्रोजन व्हाकल गैसोलिन वाहकल सब में बहुत ज़्यादा है ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे रहे और यदि हम वन बैरल ऑफ आयल एक्सेक्शन करते हैं तो हमें एक बैरल में 150 लीटर पेट्रोल 150 लीटर डीजल है लेकिन 150 केजी पचास टू भी देता है जब उसको निकाल रहे हैं आयल को और जब आयल को यूज़ कर रहे हैं हम एज ए पेट्रोल एंड डीजल तब आपको पता ही है कि कितना निकलता है वन तो के जी सी ओ टू इज़ रिलीज इन द एक्सेपन ऑफ टू लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीज़ल तो अंदाजे लगाइए हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल के हाइड्रोजन की मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितने सारे हमारे अच्छे खासे एप्लीकेशंस हैं ड्रोन चलाइए कार चलाइए लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन जनरेट करने का बहुत अच्छा टेक्निक चाहिए तो हमें जो पोर्टेबल है वो हमारे इसके अंदर बहुत ही अच्छा विकल्प है किसके इलेक्ट्रिक सेल में तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ एक जैसे कहते हैं कि एक तरह से दिया फटाफट बताया आपको कि जिससे कि मैं आपको इसके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूँ

बहुत सारे देन आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस टीम ये क्या देख क्या सकते हैं।, हैं आपकी ये एक-एक इंच के हमने चार सेल सीरीज में जोड़े हैं सब कुछ इसीलिए ओपन है राइट ये हाइड्रोलिक सेल चार इसलिए जोड़े जाते हैं कि मुझे इसकी जो जीरो uh, पॉइंट नाइन एट वोल्ट है और हमें एप्रोक्सीमेटली 2.7 वोल्ट चाहिए टू पावर एनी एलईडी और यदि दूसरा वाला देखेंगे आप ये ये तो आपको ब्राउन कलर का आपने देख ही रहे थे ये छोटे सेल लेके आया मैं लैब से पोर्टेबल हैं बिल्कुल हल्के फिर ये हमने दूसरे हैं जो वैसे हैं किसके टिन ऑक्साइड के तो ये टिन ऑक्साइड के तीनों हमने ऐसे करके बना दिए और सबको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है अब हम चाह रहे हैं कि ये एल है एल का सेट है सब पैनल में कनेक्ट कर दिए हैं और यदि हम इनको कनेक्ट करके ऐसा करें कि इनको पानी में डाल के दिखाएंगे आपको कि देखिए अभी आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ये एक इन्होंने पानी का गिलास प्रोवाइड किया है जिसको मैं पहले पी भी सकता हूं और फिर हमें अपना एक्सपेरिमेंट भी दिखा सकता हूं अब आप देखेंगे कि मैंने इसमें यह डाला ये पानी में डुबोया और आपको देखिए एकदम लाइट मिल गई क्या हुआ कुछ पावर yeah, well, नहीं नहीं नहीं, नहीं कॉन्टैक्ट टूट गया यस सर कांटेक्ट टूट गया हम इसको जोड़ते हैं दोबारा से जोड़ते नहीं नहीं जोड़ते हैं ये इसका ओ हो सेल ही निकल गया यहाँ से एम सॉरी देखिए आप देख सकते हैं कि सेलों को हम कितने किस तरह से बनाते हैं लैब में जब बनते हैं बल्ब जल रहा है तो आप आ, ये समझ सकते हैं कि बल्ब बल्ब आर ग्लोइंग ये आपके सामने एल दिखाई दे रही है ग्लो करती हुई और वो हमारा वो कहाँ गए ये अच्छा हाँ अब जैसे यदि मैं उसका कांटेक्ट टूट गया आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं यदि हमारे कांटेक्ट टूट रहे हैं क्योंकि लैब में कर रहे हैं सारा काम हमारे स्कॉलर्स कर रहे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं अभी आप अंदाजा लगाइए डॉक्टर ज्योति साह देखती हैं आप उससे अंदाजा लगाइए हम नए नए बच्चों को ट्रेन करते हैं इसमें काफ़ी बच्चे हमारे पास सिर्फ ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं आपने देखी कि मैंने पानी में डाला मेरा हाथ पानी में ही है मतलब पानी से भी सन गया अब हमने क्या किया कि वो तो टिन ऑक्साइड के थे अब आ जाते हैं इस पर जो देखेंगे Redoxid. कुछ नहीं है ये है मैग्नीशियम फाइराइड के Redoxid. चार सेल्स राइट हमें कुछ नहीं करना पड़ा एकदम डाला और आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये ऐसे शायद आपको अच्छे से दिखाई देगा चारों सेल से ये ग्रीन लाइट जल और ये ग्रीन लाइट जलने का ये रेड लाइट जलने का कुछ भी देखें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यदि आप बैटरी लेते हैं कुछ करते हैं तो आप देखिए क्या करेंगे आप उसको शॉर्ट किया क्या उसके बाद बैटरी काम करेगी नहीं करेगी ये देखिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ उसके बाद भी आप देखिए कि आपके कितनी बार शॉर्ट कर रहा हूं इतनी देर तक तो सब कुछ बंद हो जाना चाहिए यदि हम सेल कोई बैटरी लें लेकिन ये चलता रहेगा ये ऐसा नहीं है घंटों घंटों चलेगा और क्योंकि पानी वेपरेट नहीं होना चाहिए इस ओहो आ, कहीं ना कहीं शॉर्ट हो गया कोई बात नहीं बट स्टिल ग्लोइंग हाँ स्टिल इस, ग्लोइंग तो, हाँ, इसमें भी ऐसा ही है ये कर दिया आपको इधर आएंगे ये निकल गया तो ये डिमॉन्सट्रेशन था कि हमने कहा देखिए आपको और ऐसे ऑक्साइड पे ये बहुत कम होता है क्योंकि मैं रिसर्च में 35-40 साल से हूँ और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा बहुत कम होता है सिलिकन सोलर सेल के लिए भी एक ही मटेरियल है बट ये सब कितने पे हो रहा है हम आज 29 नाइन मटीरियल्स पर कर चुके हैं कोई लीजिए सिलिका लीजिए एलुमिना लीजिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड लीजिए टिन ऑक्साइड लीजिए डिफरेंट फेराइट लीजिए कंपोजिट लीजिए तो आप अंदाजा लगाइए कि देखिए ये है क्या ये क्या अमेजिंग नहीं है कि आप पानी से सीधा सीधा देख रहे हैं और कर रहे हैं स्टूडियो आर नॉट एबल टू मेक यू टू सी देर ग्लोइंग एस आई कैन सी इन द स्टूडियो These आर ग्लोइंग स्टिल ग्लोइंग with

तो हम पूरी दुनिया को एक आविष्कार ही नहीं दे रहे हम इसे देश की इकोनॉमी बहुत बढ़ा सकते हैं क्योंकि जैसे हम अभी तक सोलर सेल इम्पोर्ट करते हैं हम एक्सपोर्ट करेंगे हंडल सेल ये के बड़े बड़े पैनल और पैक्स तो ये मैं कहना चाहूँगा क्योंकि बैटरियाँ भी जितनी हमारे यहाँ आ रही हैं आपने देखा होगा कि सब मल्टी कंपनियों की हैं और यहाँ पे सब कुछ हम अपने यहाँ का कर सकते हैं ये हमारा इसमें एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन है

Friends, let us. 40 kilowatt, kilowatt hour. Per kilowatt hour. But, but that is the installation cost of the price, it is not the running cost. No, not it's at not at the running cost. Be, be aware, my dear friends, as you see in the case of hydroelectric power or in other power, in hydroelectric power which are able to generate large capacities of the power. Yes, you are right. Large yes. 60,000 volts, up to 60,000 volts, Indian trans uh, these Indian transport, these working. But the installation costs are very, 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 very high and it goes really nearly 2 crore rupees per. ज सो दिसम्स डिपेंडिंग ऑनशन हम प्रोडक्शन कर रहे ये see, की कॉस्ट है दूसरा yes. एक सेल ये जो छोटा दिखाया गया है इस सेल की कीमत यदि आप जानना चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आठ रुपए है yes. ओनली एट रुपीजीड की है छह रुपए के करीब है तो यदि सेल की कॉस्ट करेंगे तो वो आज भी लैब में बहुत कम है और उसको हम चाहेंगे कि विद द टाइम इसको बढ़ाए या और करें ये जैसे मेरे हाथ इसके ऊपर जा रहे हैं तो लाइट बहुत अच्छे से दिख रही है That the price of lithium-ion batteries, which is which is nowadays used in e-vehicles or in other components, it it is apparent to people like us that the price will increase further if the cars, e-vehicles are being crowded on the roads <coughs> because of the non-availability of the lithium, uh, lithium. Because it is restricted to the only two countries. Only the American Triangle and China. Yeah, right. So and some they have now found in Afghanistan. Yeah, correct. So these uh, these points. आपने कहा अब हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं पहले हम जितनी भी चीजें बाहर से लेकर आते हैं उसके लिए इंडिया पे करता है इलेक्ट्रिसिटी हमें आ, अपनी कंट्री के लिए भी बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और एनवायरमेंट के लिए भी एनवाइट सर आपने एक एग्जांपल दिया था दिए का आ, जो एक नॉर्मल हाँ. दिया एक घंटा चलता है जब हम उसे आ, आग से एक बार डाल डाल देते हैं के हाँ, राइट और दूसरा जो आपने बोला वो थर्टी आवर्स चलता है हुँ. इस सेल के थ्रू हाँ. पर अगर हम मार्केट में देखें जब अभी हमने दिवाली के लिए शॉपिंग करी थी तो जो सेल इसी तरह के दिए हमें मार्केट में मिले थे वो चाइनीस थे और वो एक्सपेंसिव भी थे और उनमें बैटरी भी थी पर अगर आ, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ऐसी एक इन्वेंशन भी करती है तो हम उन्हें अवेयर कैसे कर सकते हैं देखिए इसमें पता पता सिर्फ तो है लोगों को चाह भी रहे थे लोग लेकिन हुँ. क्योंकि ये तो न्यूज में सब जगह ऑलरेडी बहुत है ठीक है लेकिन सवाल ये हुआ कि इसकी जब हम वो बात करते हैं हुँ. कि क्या हम कर सकते थे जब तक हमें प्रोडक्शन नहीं होगा पायलट प्लांट नहीं बनेगा कहाँ से हम करेंगे ओके okay. डिमांड है डिमांड अब भी लोग करते हैं हाँ. लेकिन हम देंगे कहां से लैब में तो हम लैब के लिए बनाते हैं ना जो सैंपल थोड़ा हम इस काम के हम तो रिसर्च करना चाहते हैं और आगे उसको we रुण 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 That roughly 60 to 70 percent of international funding on research goes for the material size, for the development of materials, and for different different purposes. And this includes a lot of input, a lot of money incurred, being incurred for this power generation sources, be it uh, lithium ion batteries, sodium ion batteries, which we have not talked about today. This is also Professor Kotnala's regime, at sodium ion batteries, etc. And <laughs> yeah. we will be talking about all those little later as well. Uh, so from uh, importing the system to not only to make in india but you are saying for made in india made in india, made in india and then export outside mm -hmm. so it is going to be a boom for the uh, indian economy as well and a lot of uh, human power will be required for doing research in this work and having uh, dip, uh, altogether a massive industry industrial development in the country for the development of these cells last in last 20 years or so we had seen the indian industries which are working on the make in india project making india largely uh, for the development of solar cells now solar cells materials are being printed not not uh, not being uh, grown but now these are being printed in the country itself so uh, from that we will be having not only printing but the total construction and manufacturing of these battery cells we congratulate you dr kotnala Uh, for being with us लेकिन uh, लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगा, से, 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 मैं ये बताना चाहूंगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल का जो इन्वेंशन है वो आ, सर सी.वी. रमन के बाद इतना बड़ा इन्वेंशन है ये ग्रीन एनर्जी में जिसके लिए हर इंडियन का सर ऊंचा होता है क्योंकि मैं जगह जगह इंटरनेशनल फोरम पे जाता हूँ डिफरेंट कंट्रीज में जाता हूँ और वो उनको ये लगता है

That uh, the Ram, though the Raman effect was discovered in this country, but the first Raman discover scanners were produced in Japan, not in India. <laughs> but <laughs> yes. uh, I am sure that with your enthusiasm and with the research laboratories in the system, uh, we will be having our own ha large scale hydroelectric yes, power scale. within this country, yes, not outside. Because already yes. it is fabricated in yes, India, theory, the name, the science, as well it. as technology, mm -hmm. engineering.

एंड इट वॉजफुल कॉन्सेशन वी हैड सो मेनी क्वेश्चन बट हमारे पास और समय नहीं है तो हम hmm. आपसे पूछ नहीं सकते बट अदरवाइज uh, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आई एम श्योर अगर आप ये प्रोग्राम एक बार फिर से देखेंगे तो आपको अपने सारे आंसर जरूर मिल जाएंगे सर ने हमें एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया कि कैसे इस सेल को आप सिर्फ पानी से चला सकते हैं कोई केमिकल की जरूरत नहीं है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यू कैन सी जो बल्ब अटैच होगा वो ग्लो करेगा एंड इट विल लास्ट फॉर मल्टीपल आवर्स नॉट जस्ट फॉर वन आवर और टू थैंक यू थैंक यू सो मच सर बोथ ऑफ यू वंस अगेन फॉर बींग विद आस ऑन दिस प्लेटफॉर्म थैंक यू आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है uh, वो होगा सेशन नंबर फोर्टी सिक्स और टाइटल होगा जियोलॉजिकल रेडियो न्यूक्लाइट्स और यही प्रोग्राम हिंदी में होगा रेडियो न्यूक्लाइट्स द्वारा भूविज्ञानिक अतीत का भी संकेतन और प्रोफेसर पंकज कुमार इसे प्रेजेंट करेंगे हमारे की स्पीकर होंगे ये होगा ट्वेंटी थर्ड ऑफ दिसम्बर को एक महीने में दो बार हम ये प्रोग्राम आप सभी के सामने लेकर आते हैं फ्राइडे को ठीक 10 बजे 10 से 11 हमारा टाइम है तो so इसे बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर ऑल द इंडियन डायस्पोरा वेर एवर यू आर यू कैन वॉच दिस प्रोग्राम एंड बी अ पार्टिसिपेंट थैंक यू वंस अगेन प्लीज टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वील सी यू ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ दिसंबर थैंक यू नमस्कार